तो इस तरह से हमने टेम्परेचर स्केल का जो कंसेप्ट है वो समझ लिया। अब हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज द स्टेट, स्टेट क्या चीज है। स्टेट, स्टेट हिंदी में उसको बोलते हैं अवस्था, अवस्था। इसकी क्या अवस्था है, उसको ये भी बोल सकते हो कि कंडीशन, कंडीशन क्या है, किसकी, सिस्टम की। तो सिस्टम का स्टेट होता क्या है, पहले स्टेट को हम लोग समझते हैं। मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, अपना ही एग्जांपल दूंगा मैं। माय नेम इज प्रवीण शर्मा, ठीक है। क्या इतना इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है मुझे आइडेंटिफाई करने के लिए, बोलो बताओ। नहीं, ओनली नेम इज नॉट सफिशिएंट। कोई फॉर्म अगर आप भरते हैं तो वहां पे देखिए कितने सारे इंफॉर्मेशन पूछे जाते हैं, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फिर उसके बाद एड्रेस क्या है, ठीक है, आपका मोबाइल नंबर, समझ रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपसे पूछे जाते हैं, फिर उन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे यहां बोला जा सकता है यस दिस इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू प्रवीण शर्मा। तो उसे मुझे इजिली कोई भी आइडेंटिफाई कर सकता है, मुझे कोई इजिली ट्रेस कर सकता है, इतने सारे इंफॉर्मेशन का यूज करके आप मुझे ट्रेस कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह से ये जो सिस्टम होता है, मेरे पास कोई भी सिस्टम होने दो, ये मेरे पास किसी भी तरह का सिस्टम होगा, लेट से कोई भी सिस्टम होने दो, इसके स्टेट को जानने के लिए, इसके कंडीशन को जानने के लिए, इसकी अवस्था को जानने के लिए मुझे कुछ प्रॉपर्टी की जरूरत है, समझ रहे हो इस बात को। कुछ तो मुझे चाहिए ना, कुछ तो पैरामीटर चाहिए जिससे मैं बता सकूं हां ये जो सिस्टम है उसका ये स्टेट है। एग्जांपल मैं एक और लेता हूं, पानी का। अब मुझे पता है कि इस बोतल में पानी है, क्या इतना सफिशिएंट है। ये भी तो हो सकता है कि इसमें ठंडा पानी हो, गर्म पानी हो। अगर मैं ठंडा गर्म भी बोलता हूं तो स्पेसिफाइड नहीं है, ठंडा बोले तो जो मुझे फील होता है कि हाँ भाई, मतलब जो वो रिलेटिव है, वो कंपेरेटिव है, मतलब मैं बाय जस्ट कंपेरिजन ही मैं बता सकता हूं कि हाँ अगर 5 डिग्री सेल्सियस पे है तब भी मैं उसको ठंडा बोलूंगा, 10 पे है तब भी ठंडा बोलूंगा, फिर 15 पे तब भी उसको मैं ठंडा ही बोल सकता हूं। और वैसे ही हॉट वाटर के लिए भी, अगर इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तब भी मैं बोलूंगा ठीक है मीडियम है, फिर उसके बाद 40 जैसे ही आ गया बोलूंगा हाँ गर्म है, 50 अगर मैंने बोल दिया 50 डिग्री सेल्सियस मतलब बहुत ज्यादा गर्म है। तो ये डेटा उतना सफिशिएंट नहीं है, मुझे बताना होगा यस इसका टेम्परेचर 32 है, इसका टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस है, समझ रहे हो। तो एक स्पेसिफाइड करना होगा उस स्टेट को, तब मैं बोलूंगा हाँ यार ये जो पानी है इसका ये स्टेट है। तो उस स्टेट को बताने के लिए, उस स्टेट को आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे कुछ प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ेगी। क्या, किस चीज की जरूरत पड़ेगी, प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ेगी। तो सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे जरूरत पड़ी प्रॉपर्टीज की। समझ में आ रही है बात क्या हो रहा है। उस पर्टिकुलर जो भी मेरे को सिस्टम दिया हुआ है उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या उसकी कंडीशन है, क्या उसकी सिचुएशन है, मुझे चाहिए प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टीज की बात आ गई, अब ये क्या चीज है प्रॉपर्टीज, ये आ गया क्वेश्चन मार्क कि भाई ये क्या चीज है। स्टेट तो समझ में आया कि हाँ मतलब सिस्टम का क्या कंडीशन है वो आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब बात आ जाती है कि प्रॉपर्टीज होती कितनी है, कोई भी सिस्टम अगर मेरे पास है तो उसके पास कितनी प्रॉपर्टीज है, देखते हैं अब क्या क्या प्रॉपर्टीज है। सबसे पहला स्पेसिफिक एंथैल्पी। मैं ये सबके ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी, अभी जस्ट आप
इस टर्म का नाम याद रखिए, उसकी नोटेशन क्या है वो याद रखिए। आगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे सब चीजें अपने आप क्लियर होते जाएगी। तो ये है स्पेसिफिक एंथैल्पी। फिर उसके बाद स्मॉल यू, ये होता है स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। इसके बाद ये तो बच्चा बच्चा जानता है टेम्परेचर। फिर एक प्रॉपर्टी ये भी है प्रेशर। और क्या क्या है, ये है स्पेसिफिक वॉल्यूम। और क्या है स्पेसिफिक, ये स्मॉल एस है, ओके स्मॉल एस, स्पेसिफिक एंट्रोपी। समझ पा रहा आपको? तो ये सब चीजें जो है ये प्रॉपर्टीज हैं। किसकी प्रॉपर्टी? सिस्टम की प्रॉपर्टी। और अगर मुझे सिस्टम को आइडेंटिफाई करना है तो मुझे जस्ट इसमें से कुछ प्रॉपर्टीज चाहिए और फिर मैं इजिली सिस्टम को आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि इस सिस्टम का क्या स्टेट है। सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे चाहिए प्रॉपर्टीज की। और जैसे ही मुझे प्रॉपर्टीज पता चल गया मैं बता सकता हूं कि सिस्टम किस स्टेट में है। समझ में आ रहा है कुछ? अब बात यह आ जाती है कि अब मैंने यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रॉपर्टीज के बारे में बात की, तो क्या मुझे किसी भी सिस्टम का स्टेट बताने के लिए ये 6 की 6 प्रॉपर्टी चाहिए? अब ये क्वेश्चन मार्क है कि 6 चाहिए या उससे कम चाहिए, कितनी चाहिए? तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे गिब्स फेज रूल का। किसका? गिब्स फेज रूल। हमने ऑलरेडी ये चीज पढ़ी है, गिब्स फेज रूल। अब गिब्स फेज रूल क्या बोलता है? ये बोलता है कि पी प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस टू। पी इज द नंबर ऑफ फेज, एफ इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, सी इज द केमिकल कंपोनेंट इन द सिस्टम। अब बेस्ड ऑन सिस्टम, मतलब सिस्टम में एक कंपोनेंट है, एक सब्सटेंस है या ढेर सारे सब्सटेंस है, फिर सिस्टम के अंदर सिंगल फेज है या दो फेज है या तीन फेज है, कितने भी फेज है, उसके हिसाब से नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज वेरी होती है। ठीक है, अब मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं कि मैं एग्जांपल लेता हूं कि सपोज मेरे पास वाटर है, ठीक है वाटर है, एंड वाटर जो है उसका टेम्परेचर दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस और एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अब वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस पे है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रखा हुआ है, तो ये केस में जो फेज होगा वाटर का वो कौन सा फेज होगा? लिक्विड फेज। लिक्विड फेज है, इसका मतलब पी की वैल्यू हो गई 1। क्लियर है? फिर उसके बाद वाटर है सिंगल कंपोनेंट, तो ये भी हो गया 1। अब ये क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन रिड्यूस होके हो जाएगा 1 + F = 3, यानी F = 3 - 1, दैट इज 2। इसका मतलब इस वाटर को आइडेंटिफाई करने के लिए, इसके स्टेट को जानने के लिए मुझे 2 प्रॉपर्टी चाहिए। कितनी प्रॉपर्टी? 2 प्रॉपर्टी चाहिए। समझ में आ रहा है ये चीज? तो इसी तरीके से अगर कोई दूसरा सब्सटेंस होता तो उसके लिए भी मुझे कितनी प्रॉपर्टी चाहिए, वो बाय यूजिंग गिब्स फेज रूल मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि मुझे कितनी प्रॉपर्टी लगेगी, वो मैं जान सकता हूं इजिली। तो इस इक्वेशन से मुझे एक चीज समझ में आ गया कि इन जनरल अगर सिंगल कंपोनेंट है और सिंगल फेज में एग्जिस्ट हो रहा है
तो वो केस में मुझे सिर्फ और सिर्फ दो प्रॉपर्टी चाहिए। कितनी प्रॉपर्टी? दो प्रॉपर्टी। यानी इनमें से अगर कोई भी दो प्रॉपर्टी मुझे पता हो तो मैं उस सिस्टम का स्टेट क्या है वो बता सकता हूं। क्लियर हुआ? तो समझ में आया कि स्टेट क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है, कितनी प्रॉपर्टीज मुझे चाहिए उस सिस्टम के स्टेट को आइडेंटिफाई करने के लिए। समझ में आ रहा है कुछ? अगर नहीं समझ में आया है, कुछ क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर अपने क्वेश्चन को पोस्ट करना, मैं उसका रिप्लाई देता हूं आपको। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई मुझे। तो एक चीज तो मुझे अब समझ में आ गई कि अगर मेरे पास कोई सिंगल कंपोनेंट वाला सब्सटेंस है और वो सिंगल फेज में एग्जिस्ट हो रहा है तो मुझे दो प्रॉपर्टी चाहिए ही चाहिए। तो प्रॉपर्टीज तो समझ में आ गई। तो अब हम लोग ये जानेंगे कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। अब जैसे ही मैंने प्रॉपर्टीज की बात की तो आपको क्लियर हो गया क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है सिस्टम का। अब ये देखते हैं कि इंटेंसिव क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होता है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ओके। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब अगर मेरे पास कोई भी सब्सटेंस है तो अगर वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो सब्सटेंस में थोड़ा लू या ज्यादा लू ये सेम ही रहने वाला है, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात करूं तो अगर सब्सटेंस ज्यादा है तो वो प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ और होगी, कम है तो कुछ और होगी। मतलब ये प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है कि कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर मेरे पास है। समझ में आया इस चीज को? अब देखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव होती है, कौन कौन सी इंटेंसिव होती है। अब अभी जो मैंने प्रॉपर्टीज के बारे में बात की, ठीक है, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, प्रेशर, स्पेसिफिक वॉल्यूम, फिर उसके बाद स्पेसिफिक एंट्रोपी। अब इसका यूनिट देख लेते हैं हम लोग जरा, पहले यूनिट देखना जरूरी है तब आगे की चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर मैं यूनिट की बात करूं तो ये जो स्पेसिफिक एंथैल्पी है इसका यूनिट होता है किलो जूल पर केजी। अगर मैं इंटरनल एनर्जी की बात करूं तो इसका यूनिट होता है किलो जूल पर केजी। टेम्परेचर की बात करूं तो इसका यूनिट होता है, अभी हमने डिस्कस किया, जीरो डिग्री सेल्सियस बोलो, डिग्री फारेनहाइट बोलो, फिर उसके बाद केल्विन बोलो, जो चाहिए वो बोलो, फिर प्रेशर। प्रेशर का यूनिट भी बहुत सारा है, मैं एक यूनिट लिखता हूं यहां पे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। स्पेसिफिक वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो होगा, इसका यूनिट होता है मीटर क्यूब पर केजी, ठीक है, मीटर क्यूब पर केजी, डेंसिटी का ठीक उल्टा। फिर उसके बाद स्पेसिफिक एंट्रोपी का जो यूनिट होता है वो होगा किलो जूल पर केल्विन पर केजी। तो क्लियर है, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी किस कैटेगरी में आता है। स्पेसिफिक एंथैल्पी किलो जूल पर केजी, मतलब एक केजी का दिया हुआ है। अब मेरे पास 10 केजी हो, 20 केजी हो, 100 केजी हो, क्या स्पेसिफिक एंथैल्पी चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। तो ये किस में जाएगा? ये जाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में। चलो यहां पे आ जाओ। अब स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं, क्या यूनिट है? किलो जूल पर केजी। इतना सा लो सब्सटेंस
या पूरा रूम भर के ले लो, कितना भी ले लो तुम, ये किलो जूल पर केजी ही रहने वाला है, ये वैल्यू सेम ही रहने वाली है, तो ये भी चला जाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में। नेक्स्ट टेम्परेचर, इस रूम में मान लो एक टैंक है और उसमें कोई गैस भरी हुई है, मैं दो टैंक लेता हूं, एक छोटा टैंक और दूसरा एक बड़ा टैंक, दोनों टैंक में सेम एयर भरी हुई है, मैं अज्यूम करता हूं कि एयर का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, तो अब देखिए बड़े टैंक में ज्यादा एयर है, छोटे टैंक में कम एयर है, क्या उस टेम्परेचर में वेरिएशन होगा, बताओ मुझे, कितना भी क्वांटिटी लू, इतना सा सैंपल लू या पूरा ढेर सारा सैंपल लू, उसका जो टेम्परेचर होगा वो सेम ही रहने वाला है, तो इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं कि माय टेम्परेचर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब प्रेशर की बात करते हैं, मेरे पास लेट से एक टैंक है और उस टैंक में भरा हुआ है नाइट्रोजन गैस और उसमें प्रेशर गेज भी लगा हुआ है ताकि मैं प्रेशर देख सकूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक बड़ा टैंक है उसके बगल में एक छोटा टैंक रखता हूं और दोनों टैंक को कनेक्ट कर देता हूं एक दूसरे से, ठीक है, ओपनिंग है, मतलब इस टैंक का जो नाइट्रोजन है वो इसमें जा सकता है और इस टैंक का नाइट्रोजन इसमें जा सकता है, मतलब इस तरह से मैं एक डायग्राम जस्ट बता देता हूं आपको, यहां पे ये एक बड़ा सा टैंक और ये छोटा सा टैंक, ठीक है, और इसके बीच में एक ओपनिंग है, ओके, इस तरह से ओपनिंग है, क्लियर है, इसमें नाइट्रोजन गैस भरी हुई है, इसमें भी नाइट्रोजन गैस सेम, जब ओपन कर दिया तो जो यहां पे गैस होगी वही यहां पे चली जाएगी। अब यहां पे प्रेशर गेज लगा हुआ है, प्रेशर गेज से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेशर मेजरमेंट कर सकते हैं इसका। तो अब क्या होगा, अब इसमें ज्यादा गैस है, इसमें कम गैस है, क्या प्रेशर सेम दिखाएगा या अलग अलग दिखाएगा, बताओ, सोचो जरा, प्रेशर जो है वो सेम दिखाने वाला है, इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि प्रेशर जो है वो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इतना सा एरिया हो या ढेर सारा एरिया हो, प्रेशर जो है वो सेम ही रहने वाला है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये जो प्रेशर है ये भी है मेरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहां तक क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या यूनिट है, मीटर क्यूब पर केजी, अगेन सेम चीज, कितना भी तुम वॉल्यूम ले लो ना, जब उसका जब तुम पूरे मास से डिवाइड करोगे तो पर केजी आपको सेम ही आने वाला है वैल्यू, उसमें कोई डिफरेंस नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये चीज भी हो गई इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लास्ट कौन सा है, स्पेसिफिक एंट्रोपी, किलो जूल पर केल्विन पर केजी, पर केजी, तो एक केजी के लिए ये वैल्यू है, तो क्या ये क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करेगा, नहीं, तो इसके लिए ये आ गया अंडर इंटेंसिव प्रॉपर्टी की कैटेगरी में, ठीक है। तो समझ में आया ये चीज क्या हुआ, तो ये सब चीजें जो है, ये जितनी भी प्रॉपर्टी हमने यहां पे लिखी हुई है ये पूरी की पूरी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब बात करते हैं व्हाट इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अब ये क्या चीज है, अगर मैं इस स्पेसिफिक एंथैल्पी को मास से मल्टीप्लाई कर दूं इनटू मास, तो मुझे कैपिटल एच मिलेगा, जिसको मैं बोलता हूं टोटल एंथैल्पी या सिर्फ एंथैल्पी बोल सकता हूं, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, किलो जूल। क्या अब ये क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यस yes, कर रहा है, क्योंकि अगर मेरे पास मैटर स्मॉल है, बहुत कम है, तो वो केस में इसकी वैल्यू कम होगी, मैटर ज्यादा है तो वहां पे ये वैल्यू ज्यादा होगी, तो इसका मतलब ये जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी को मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा कैपिटल यू और उसका यूनिट सेम होगा किलो जूल, तो ये भी हो गया मेरा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं, टेम्परेचर
ये तो इंटेंसिव रहने वाला है, प्रेशर ये भी इंटेंसिव रहने वाला है। अब ये जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ओके, इस स्पेसिफिक वॉल्यूम को मैं मास से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, कैपिटल वी, और उसका यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब। कम गैस है कम वॉल्यूम मिलेगा, ज्यादा गैस है ज्यादा वॉल्यूम मिलेगा, और ज्यादा गैस है और ज्यादा वॉल्यूम मिलेगा। इसका मतलब ये डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर। तो ये हो गया वॉल्यूम, ये क्या है, ये है टोटल इंटरनल एनर्जी। सिमिलरली अगर मैं स्मॉल एस को मास से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलेगा कैपिटल एस, और उसका यूनिट होगा किलो जूल पर केल्विन। इसमें पर केजी यूनिट है क्या, नहीं है। अगर मेरे पास स्मॉल सब्सटेंस है, थोड़ा सब्सटेंस है, तो उसके केस में ये वैल्यू कम होगी। अगर सब्सटेंस ज्यादा है तो ये वैल्यू ज्यादा होगी। तो ये सब जो है ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो यहां तक क्लियर हुआ, आई होप क्लियर हो गया होगा, क्योंकि काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चीजों को, और ये चीजें हो गई। अब उसके अलावा कुछ और एक दो एग्जाम्पल हम लोग लेके बताते हैं। अगर मैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की बात करूं, आपको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पता होगा, उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है मेरा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक मटेरियल की इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मतलब सब्सटेंस चाहे 100 ग्राम हो या 100 केजी हो, म्यू तो उस मटेरियल का सेम ही रहने वाला है, ये चेंज नहीं होगा। तो ऐसे एक्चुअल में देखा जाए तो बहुत सारी चीजें हैं, हम उन सब के बारे में उतना डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि मेन हम लोग इन सब पैरामीटर के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि आगे चल के हम लोग इन सब टर्म्स के साथ ही डील करेंगे, ठीक है। तो बस इतने ही पैरामीटर को डिस्कस कर रहा हूं, ओके।